हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी जर्नी विद यू। फ्रेंड्स, आज जो मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ाने वाली हूँ वो आज हमारा रहने वाला है एस्टेट साइकोलॉजी का। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया है कि आपको एस्टेट साइकोलॉजी का जो 30 मार्क्स का जो आपका सिलेबस आता है उस 30 में से हमारी 30 मार्क्स लाने की हमारी कोशिश रहेगी, ठीक है। तो उसके अंदर जो आज मैं टॉपिक लेकर के आई हूँ वो हमारा है साइको सोशल थ्योरी ऑफ एरिक एरिक्सन, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत, जो कि हमारा किसने दिया था, एरिक एरिक्सन ने दिया था। ये नाम आपको ध्यान रखना है। देखिए इसमें क्या आया हुआ है, मनोसामाजिक दो शब्दों के मेल से बना है ये हमारा, साइको प्लस सोशल। ओके, तो यहाँ पे किसकी बात हो गई भाई, सामाजिकता की भी बात हो गई, और साइको साइको हमारा किससे जुड़ जाता है, साइकोलॉजी से, मन से जुड़ जाता है, मनोविज्ञान से जुड़ जाता है। तो एरिक एरिक्सन साहब हमारे किसकी बात करते थे, मन की भी बात करते हैं और साथ में किसके सापेक्ष में बात करते हैं, समाज के सापेक्ष में बात करते हैं। सामाजिकता के आधार पर उन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। तो यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, आप लोगों से अगर एक क्वेश्चन बनता है कि फ्रायडवाद के जनक कौन है, तो फ्रायडवाद के जनक तो आप सभी लोग जानते हो, किसको बताते हो, सिगमंड फ्रायड को बताते हो। जबकि अगर आप लोगों से पूछा जाए कि न्यू फ्रायडवाद, जो नव फ्रायडवाद है, उसके जनक कौन है, तो न्यू फ्रायडवाद के जनक हमारे कौन हो जाएंगे, एरिक एरिक्सन हो जाएंगे। ओके, ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, यहाँ से आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना है, होना चाहिए। मैं आपको वही कंसेप्ट बताती हुई चलती हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, बाकी मैं वीडियो में कोई भी अदर टॉपिक आपको नहीं बताती हूँ। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया, नव फ्रायडवाद के जनक कौन है, एरिक एरिक्सन है, फ्रायडवाद के हमारे सिगमंड फ्रायड है। ओके, इनकी जो एक बुक है उसका नाम भी कभी कभी पूछा जा सकता है, तो इन्होंने 1963 में एक बुक दी थी एरिक एरिक्सन ने, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी। क्या बुक दी थी, चाइल्डहुड एंड सोसाइटी, ठीक है, बाल्यावस्था एंड समाज, इस बुक का नाम था। इन्होंने एक बुक दी थी, इस बुक के अंदर इनका टॉपिक था पहचान का संकट, ऐसा कुछ कर करके एक टॉपिक था पहचान का संकट, वैसे इतना डीप आपसे पूछेगा नहीं। ओके, तो उसके अंदर इन्होंने अपना जो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है उसको डिस्कस किया था। ओके फ्रेंड्स, जो एरिक एरिक्सन साहब थे वो हमारे जो फ्रायड साहब थे, सिगमंड फ्रायड थे, जिनको मैं आपको पर्सनैलिटी वाले टॉपिक में पढ़ा चुकी हूँ, तो उनसे क्या थे, काफ़ी इम्प्रेस थे जो फ्रायडवाद थे, जो फ्रायड थे उन साहब से क्या थे, काफ़ी इम्प्रेस थे। तो बस उन्हीं के जो उनका जो सिद्धांत था वो कौन सा था, मनोविश्लेषण सिद्धांत था। तो जो साइको एनालिटिक जो सिद्धांत था उसी के बेसिस पर, उसी को ध्यान में रखते हुए इन्होंने अपना क्या दिया है, साइको सोशल थ्योरी दी है। लेकिन इन्होंने जो विशेष बल है वो किसके ऊपर दिया है, सामाजिक ऐतिहासिक व्यवहार के आधार पर इन्होंने अपना सिद्धांत दिया है। ओके, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि जो फ्रायड का जो मनोविश्लेषण सिद्धांत थे उससे क्या थे भाई, ये बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, फ्रायड की थ्योरी का इनके ऊपर काफ़ी असर पड़ा था, लेकिन इनके सिद्धांत पर ज़्यादा असर किसका देखा जाता है, सामाजिकता का देखा जाता है। ओके, तो देखिए अब आगे चलते हैं, जो एरिक एरिक्सन साहब हैं, तो यही यहाँ से आपके पास यही क्वेश्चन बनता है कि जो साइको सोशल जो थ्योरी है वो किसने दी। क्वेश्चन आपको साथ साथ में बताती हुई चलती हूँ, मैंने उनको लिखा तो नहीं है, यहाँ से हमारे पास क्या क्या क्वेश्चन बन जाएंगे भाई। फर्स्ट क्वेश्चन तो आ गया हमारा, जो साइको सोशल थ्योरी है, जो मनोसामाजिक सिद्धांत है, वो दिया किसने है, तो किसने दिया है हमारी साइको सोशल थ्योरी, किसने दी गई है, ये हमारी दी है भाई एरिक एरिक्सन साहब ने दी है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो एरिक एरिक्सन थे वो किससे प्रभावित थे, तो किससे प्रभावित थे भाई, वो फ्रायड से प्रभावित थे। तीसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ से बन सकता है कि नव फ्रायडवाद के जनक किसको कहा जाता है, नव फ्रायडवाद कौन सा हमारा जो मनोवैज्ञानिक है वो नव फ्रायडवादी में आएगा, तो कौन आएगा भाई, एरिक्सन साहब आएगा। ओके, ये तीन क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं जो मैंने आपको बता दिया है, इनका आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इन्होंने जो डेवलपमेंट की कितनी स्टेजेस बताई हैं ये आपको याद रखना है। जो एरिक एरिक्सन साहब हैं उन्होंने 8 अवस्थाओं में जन्म से लेकर मृत्यु तक का सब कुछ बायोडाटा उन्होंने डाल दिया, जन्म से लेकर मृत्यु तक 8 स्टेजेस में डिवाइड किया है एरिक एरिक्सन साहब ने किसको, विकास को। ओके, तो जो इन्होंने अपनी जो अवस्थाएं बताई हैं उन सभी अवस्थाओं में एक क्या होगी भाई, एक संकट उत्पन्न होगा, एक चैलेंज आएगा, क्या आएगा, एक चैलेंज आएगा, ठीक है, और जिसे क्या कहा जाएगा, एक संकट कहा जाएगा। तो वो क्या होगा वो मैं आपको आगे समझाऊंगी। ओके, आपसे पूछा जा सकता है कि जो मनोसामाजिक चुनौती होती है उसको क्या कहेंगे भाई, उसको संकट कहेंगे। ओके, तो ये किसने बताया है, एरिक एरिक्सन साहब ने बताया है। ओके, तो
तो इनकी जो स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी है, आप लोगों को मैंने कोशिश की है कि दोनों मीडियम में आप लोगों के नोट्स रखूँ मैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। भाई एक्सप्लेन तो मैं मोस्टली हिंदी में ही करती हूँ, बाईलैंग्वेज ही चलता है सब कुछ, ओके। लेकिन यहाँ पे जो मेन मेन टर्म्स बनती है वो मैंने इंग्लिश में भी डाल दी है और हिंदी में भी डाल दी है आप लोगों को, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि काफ़ी इन्हें क्या कर रखा है कि जो नोट्स का एक्सेस ले रखा है, यहाँ पर एक सेकेंड रुकिए आपको बता देती हूँ। अगर आप लोगों को भी ये हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप लोगों को जो नंबर मैंने प्रोवाइड किया हुआ है, आप उस नंबर पर मुझसे कॉन्टैक्ट करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। नोट्स क्या है फ्रेंड्स, पेड है, एक बिल्कुल मिनिमम अमाउंट रखी गई है और अभी टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है। अगर आप लोग मेरी सारी क्लासेस देख रहे हो और साथ में आपने नोट्स ले रखा है तो आप लोगों का रिजल्ट ऑब्वियसली बहुत अच्छा आने वाला है, ओके। जनरल सेक्शन के आपको नोट्स मिल जाएंगे, बिल्कुल हैंड रिटन, पॉइंट टू पॉइंट इसमें बातें चलेंगी। तो देखिए जो स्टेज बताई है, तो जो फर्स्ट स्टेज बताई है वो हमारी कौन सी है भाई, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, ओके। यानी जो ट्रस्ट है वो तो पॉजिटिव रहने पे आएगा और मिसट्रस्ट है वो नेगेटिव रहने पे आएगा। इसी तरह से आगे और भी स्टेजेज आएंगी, सभी में इसी तरह से होगा। अगर उस काल में, उस अवस्था में बच्चा पॉजिटिव सेंस में चला जाता है तो पहली वाली, अगर नेगेटिव में चला जाता है तो सेकेंड वाली, ओके। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, विश्वास बनाम अविश्वास, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट। ये किस अवस्था से होती है भाई, जन्म से 18 महीना, यानी जब बच्चा जन्म लेता है उससे 1.5 वर्ष तक का जो काल है उसको किस स्टेज में रखा है एरिक एरिक्सन ने, ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट में रखा है, ओके। और वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा काल होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चा इन्फेंट होता है, इन्फेंसी वाली स्टेज होती है, शैशव अवस्था होती है, ओके। तो शैशव अवस्था को एरिक एरिक्सन साहब ने क्या कहा है, विश्वास बनाम अविश्वास की अवस्था कहा है, ओके। जन्म से 18 माह, यानी जन्म से 1.5 साल तक का जब बच्चा होता है, तो यहाँ पे फ्रेंड्स क्या होगा, जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट है वो बच्चे में किस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे एक सबसे जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स है वो हमारा क्या होता है, फीडिंग होता है। भाई बच्चे को क्या लगती है, भूख लगती है। उस टाइम पे बच्चे को क्या चाहिए भाई, जब बच्चे को भूख लगेगी तो बच्चे को क्या चाहिए भाई, दूध चाहिए, उसको अपनी केयर चाहिए भाई, कोई आए उसको संभाले। तो जब उसको, बच्चे को इस तरह का पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलता है, उसका जो फीडिंग वाला जो मतलब उसके अंदर जो इच्छा जागृत हुई थी, उस इच्छा को अगर उसके ऊपर उचित ध्यान दिया जाता है तो उसके अंदर कैसी भावना जागृत होती है, ट्रस्ट की। उसके अंदर जो फीलिंग्स है वो किसकी आती है, ट्रस्ट की आती है, बच्चा विश्वास करना सीखता है। लेकिन अगर वहीं पर बच्चे को भूख लगी हुई है और उसको दूध ना दिया जाता है तो वहां पे उसमें कौन सी भावना हो जाती है, मिसट्रस्ट की। वो जल्दी से किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाता है, ओके। अगर बच्चे का उसके केयर टेकर के द्वारा उचित प्रेम दिया जाता है तो उसमें विश्वास की भावना उत्पन्न होती है, और ऐसा ना करने पर उसमें अविश्वास की भावना उत्पन्न हो जाती है। और इन दोनों में से अच्छे से सफलतापूर्वक इस चीज का क्या कर लेता है भाई, समाधान कर लिया जाता है इस एज के अंदर, तो उसमें एक मनोसामाजिक मूल्य उत्पन्न होता है। ये एक हमारा साइको सोशल वैल्यू बच्चे के अंदर डेवलप होती है, और वो साइको सोशल डेवलप जो वैल्यू डेवलप होगी उसको क्या कहा जाता है, होप कहा जाता है, आशा कहा जाता है। बच्चे के अंदर आशा की भावना क्या होती है भाई, जागृत होने लगती है, ओके। क्लियर? तो यहाँ पे आपको देखो याद क्या क्या रखना है, बेसिक से इतनी राम कहानी तो आपको समझाने के लिए लिखी गई है। मेन क्या है, जो फर्स्ट स्टेज है वो हमारी ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट है, या अनट्रस्ट भी मिल जाएगा, विश्वास बनाम अविश्वास। इसको बिल्कुल आराम से समझो भाई, बच्चे ने जन्म लिया, जन्म के बाद बच्चे को क्या चाहिए भाई, फीडिंग चाहिए, और उस टाइम पे बच्चे को अच्छे से फीडिंग दी जाती है, अच्छे से उसकी केयर की जाती है, तो बच्चे में क्या होगा भाई, ट्रस्ट की भावना होगी। अदरवाइज उसमें क्या आ जाएगा, मिसट्रस्ट आएगा, उसमें अविश्वास की भावना आ जाएगी, जल्दी से बच्चा किसी के ऊपर विश्वास नहीं कर पाएगा। अगर वो इन दोनों से भाई, ना तो ये ज़्यादा होना चाहिए और ना ही ये ज़्यादा होना चाहिए, दोनों क्या चलने चाहिए, बिल्कुल बैलेंसिंग स्टाइल में चलना चाहिए। अगर इसका वो सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो बच्चे के अंदर एक साइको सोशल वैल्यू डेवलप होने लगती है, और वो साइकल सोशल वैल्यू कौन सी होगी, होप होगी। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट में अगर बच्चा सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है तो उसके अंदर कौन सा मनोसामाजिक जो मूल्य है वो डेवलप होता है, तो कौन सा होता है भाई, आशा, होप, ओके। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट यहाँ से एक पॉइंट बन जाता है भाई, शैशव काल था ये, लेकिन पूछा जा सकता है कि जो हमारे एरिक एरिक्सन साहब की जो फर्स्ट स्टेज है ट्रस्ट वर्सेज मिसट्रस्ट, उसकी जो तुलना है वो किसके साथ की जा सकती है। तो जो सिगमंड फ्रायड साहब ने जो 5 स्टेजेस दी थी उसके अंदर जो मुखिया अवस्था होती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ओरल स्टेज बोलेंगे, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, ओरल स्टेज, ओके। तो उससे इसकी क्या की जा सकती है, तुलना की जा सकती है, ओके।
नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, अब बच्चा भाई क्या होगा, बच्चे को अच्छे से केयर मिल गई, तो केयर होने के बाद बच्चा क्या करेगा भाई, 1.5 साल का थोड़ी ना रहेगा, आगे वो ग्रो भी करेगा। तो बच्चा अब क्या होने लगा है भाई, ग्रो होने लगा है, बड़ा होने लगा है। जब बच्चा 1.5 साल से 3 साल का होता है, उसके बीच में होता है, तब बच्चे की जो स्टेज होती है वो होती है स्वायत्ता व संदेह की अवस्था, इंग्लिश में जिसको कहा जाएगा ऑटोनोमी वर्सेज शेम या डाउट की स्टेज। ओके, तो भाई बच्चा क्या होने लग गया, ग्रो होने लग गया। जब बच्चा ग्रो होगा तो वो क्या करेगा, जब बच्चे को अच्छे से केयर मिल रही है, केयर मिलने के बाद उसमें क्या हो गया भाई, ट्रस्ट की भावना क्या हो गई, डेवलप होने लग गई पेरेंट्स के प्रति। लेकिन फिर वो क्या करेगा, वो चाहेगा कि भाई मैं जैसे कि खुद अपना नहाना धोना, कपड़े पहनना, ये सब काम बच्चा खुद करना चाहेगा। तो बच्चा अपने जो काम है उनको स्वयं करना चाहता है। अगर उस टाइम पे उसके जो पेरेंट्स हैं, बच्चे के जो केयर टेकर हैं, वो उसको क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं बच्चे को। अगर बच्चे को एनकरेज किया जाएगा तो बच्चे में क्या आएगी भाई, ऑटोनोमी की फीलिंग्स आएगी, स्वायत्तता की भावना आएगी। ओके, लेकिन उसी पर अगर बच्चे को एनकरेज नहीं किया जाता है तो बच्चे में क्या आएगी, डाउटफुल स्टेज आ जाएगी। बच्चा क्या सोचेगा कि भाई मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता, और बच्चे के अंदर धीरे धीरे मतलब लज्जा वाली स्थिति आने लगेगी, उसके अपने ऊपर क्या होने लगेगा, शक महसूस करने लगेगा वो कि भाई मैं तो ये काम कर ही नहीं सकता। वो क्या नहीं हो पाएगा, इंडिपेंडेंट नहीं बन पाता, उसके अंदर ऑटोनोमी की भावना जागृत नहीं हो पाती है। ओके, लेकिन उसको एनकरेज किया जाता है उसके पेरेंट्स के द्वारा, केयर टेकर के द्वारा, तो बच्चे में क्या होती है, ऑटोनोमी की भावना आती है, और वो इन दोनों स्टेजेस से निकल जाता है, इसका सफलतापूर्वक समाधान कर लेता है। तो बच्चे के अंदर एक साइको सोशल वैल्यू है वो डेवलप होने लगती है, और जिसको क्या कहते हैं, विल पावर कहते हैं, एक मनोसामाजिक मूल्य, इच्छा शक्ति बच्चे के अंदर डेवलप होने लगती है। ओके, क्लियर है। जो सेकंड स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट की स्टेज, उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स क्या रहेंगे भाई, टॉयलेट ट्रेनिंग रहेगा। इम्पोर्टेंट इवेंट्स कौन सा रहेगा, टॉयलेट ट्रेनिंग। आपसे पूछा जा सकता है कि जो सेकेंड स्टेज है एरिक एरिक्सन की, उसके अंदर इम्पोर्टेंट इवेंट कौन सा है, टॉयलेट ट्रेनिंग। या फिर पूछ लेगा कि जो टॉयलेट ट्रेनिंग है वो एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग कौन सी स्टेज में आती है, तो कौन सी स्टेज में आएगी भाई, सेकंड स्टेज में आएगी। ठीक है, सेकंड स्टेज हमारी क्या है, ऑटोनॉमी वर्सेज सेम एंड डाउट की स्टेज। यानी बच्चा भाई जब खाने पीने सही से लग जाएगा तो बच्चा क्या करेगा भाई, टॉयलेट भी करेगा। टॉयलेट ट्रेनिंग क्यों कहा गया है, तो पहले जब छोटा बच्चा होगा तो भाई वो क्या करता है, उसकी कौन केयर करता है, उसके माँ बाप करते हैं, लेकिन धीरे धीरे बच्चा क्या करता है, टॉयलेट ट्रेनिंग अपने खुद से, अपने बाथरूम वगैरह ये काम खुद करने लगता है। ओके, तो इससे बच्चे में क्या आती है, इंडिपेंडेंसी आती है। तो ये हमारी कौन सी स्टेज थी भाई, पूर्व बाल्यकाल की अवस्था थी, अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज थी। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जो एरिक एरिक्सन की जो सेकेंड स्टेज है उसको सिगमंड फ्रायड की किस स्टेज से आप तुलना करोगे, तो किस स्टेज से तुलना करेंगे, गुदीय स्टेज से। और गुदीय को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एनल स्टेज बोलेंगे। ओके, सिगमंड फ्रायड की एनल स्टेज से क्या करेंगे भाई, इसका कंपेरिजन करेंगे। बाकी यहाँ पे आपको ये पॉइंट मिस आउट है, लेकिन जो मैंने आप लोगों के लिए PDF नोट्स बनाए हैं वहाँ पे मैंने इंग्लिश और हिंदी दोनों को ध्यान में रखा है। गुदीय का जो इंग्लिश फॉर्मेशन है एनल स्टेज, वो भी मैंने वहाँ पे राइट डाउन कर रखा है, तो आपको नोट्स में ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ओके, तो दो स्टेजेस क्लियर हो गई फ्रेंड्स, बच्चे ने क्या क्या कर लिया देखो, समझते हुए चलो तभी आपको ये याद होंगी। बच्चे ने सबसे पहले बच्चे की भाई क्या जरूरत थी, बच्चे को केयर की जरूरत थी, ठीक है, उसके अंदर ट्रस्ट आ गया। उसके बाद वो बच्चा क्या करता है, ऑटोनोमी वाली स्टेज आ जाती है, अपने काम खुद करने की सोचने लगता है, टॉयलेट ट्रेनिंग वाली स्टेज आ जाती है। उसके बाद क्या करता है भाई, वो पहल बनाम अपराध भावना, नेक्स्ट स्टेज क्या आ जाती है, पहल बनाम अपराध भावना। अब बच्चे में भाई विश्वास भी जागृत हो गया। ओके, और बच्चे को क्या मिल रही है, ऑटोनोमी भी मिल रही है कि बच्चा अपना कोई काम खुद करता है, तो उसके पेरेंट्स उसको क्या करते हैं, एनकरेज करते हैं। तो बच्चा क्या सोचेगा, कोई और नए नए कार्य करने की सोचेगा, नए नए इन्वेंशन करने की सोचेगा, ठीक है। लेकिन जब वो क्या करेगा, अपनी तरफ से पहल करता है, उस पहल के समय अगर उसके जो माता पिता हैं, उसके जो केयर टेकर हैं, वो उसको क्या कर देते हैं, क्रिटिसाइज कर देते हैं कि नहीं नहीं बस तू रहने दे, तो उसमें कौन सा भाव उत्पन्न हो जाता है, अपराध भावना वाला, उसके अंदर दोष भाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वो इस संकट का समाधान कर लेता है, उसको क्या मिलता है भाई, पॉजिटिव रेनफोर्स मिलता है, तो उसके अंदर एक साइको सोशल जो वैल्यू है वो उसके अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती है। और उस साइकिल सोशल वैल्यू क्या होती है, उसको कोई ना कोई क्या मिल जाता है, पर्पज मिल जाता है, एम बनने लगता है उसका, उद्देश्य वाली भावना उसके अंदर जागृत होने लगती है, लीडरशिप की भावना उसके अंदर जागृत होने लगती है, इंडिपेंडेंसी की तरफ बढ़ने की बच्चा सोचता है। ओके, तो अगर बच्चे कुछ भी काम करना चाहते हैं तो उनको स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, ठीक है। इसके अंदर इंपॉर्टेंट इवेंट्स हमारा क्या होगा भाई, एक्सप्लोरेशन,
वही क्या है, पहल बनाम अपराध भावना है ना, यानी पहल एक्सप्लोर करेगा जब चीजों को, नई नई चीज करने की सोचेगा, नए नए कार्य करने की सोचेगा, जो एक्सप्लोरेशन की जो स्टेज है वही किस में आती है, थर्ड स्टेज में आएगी। ओके, अगर यहाँ पे बच्चा क्या है भाई, प्री स्कूल एज का बच्चा है ना, अभी स्कूल नहीं जाने लगा है, प्री स्कूल का बच्चा है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिगमंड फ्राइड की कौन सी स्टेज से आप इसकी तुलना करोगे, तो किससे करेंगे भाई, जो लैंगिक काल है, ठीक है, आई थिंक मैं गलत नहीं हूं, तो इसको क्या कहेंगे, जेंटल स्टेज, नो जेंटल स्टेज तो लास्ट में आएगी। लैंगिक काल को बोलते तो हैं, क्या बोलेंगे यहाँ पे, लेटेंसी, लेटेंसी तो सुप्त अवस्था को बोलते हैं। तो बाकी जो इंग्लिश मीडियम के जो मैंने आपको नोट्स दे रखे हैं उसके अंदर मैंने इस पॉइंट को ऐड कर रखा है, तो आप लोगों को ऐसी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फेलिक स्टेज बोलेंगे शायद इसको, है ना, लैंगिक काल को क्या बोलेंगे भाई, फेलिक स्टेज, जो सिगमंड फ्राइड ने, कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है, जो फेलिक स्टेज है वो बोलेंगे किसको, लैंगिक काल को, सुप्तावस्था को बोलेंगे लेटेंसी स्टेज, आगे आएंगी वो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, यहाँ तक क्लियर है। अब उसको बच्चे को क्या मिल गया भाई, उसने कोई काम किया तो उसको क्या किया जा रहा है, उसको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अब बच्चा कहाँ पहुंच गया भाई, स्कूल में पहुंच गया, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट इवेंट उसका रहेगा वो क्या रहेगा, उसकी स्कूलिंग रहेगी बच्चे की, तो यहाँ पे उसमें बच्चे में क्या आती है भाई, परिश्रम करने की भावना आती है कि भाई वो अपना काम खुद करना आरंभ कर देता है। और यहाँ पे अगर उसको असफलता मिलती है, अगर वो बार बार काम को करना चाहता है और नहीं कर पा रहा है, तो बच्चे कैसा महसूस करते हैं, हीन महसूस करते हैं। लेकिन अगर वो इस काम को कर लेते हैं, उनको क्या मिलता है, एनकरेजमेंट मिलता है, ठीक है, रेनफोर्समेंट दिया जाता है, तो उनमें किसकी भावना आती है, कॉम्पिटेंसी की भावना आती है कि भाई हाँ हम भी कॉम्पिटेंट हैं, हम भी कुछ कर सकते हैं, उनमें सामर्थ्य की भावना जागृत होने लगती है। 6 से 12 साल तक परिश्रमशीलता बनाम हीनता वाला पीरियड रहने वाला है, जिसको इंग्लिश में इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियर कहा गया है। ओके, इससे बच्चे में क्या होती है, कॉम्पिटेंसी की भावना आती है। जैसे कि बच्चा अब कहाँ पे जाता है भाई, स्कूल में जाता है, स्कूल में क्या होंगे, गेम भी होंगे, और स्कूल में क्या होगी, उसकी स्टडी भी होगी। अगर वो स्टडी में अच्छा करता है और उसके पेरेंट्स भी, उसके टीचर भी उसको क्या करते हैं भाई, पॉजिटिव एनकरेज देते हैं, तो बच्चे में क्या आएगी, कॉम्पिटेंसी की भावना आएगी। लेकिन बच्चा करने की सोच रहा है, गेम हो, स्टडी हो, कोई भी कॉम्पिटिशन हो, किसी में कुछ करने की सोच रहा है और वो अच्छा नहीं कर पाता है, और साथ में उसके जो पेरेंट्स हैं और जो टीचर्स हैं वो भी उसको क्या कर देते हैं भाई, डांट देते हैं, तो उसमें कौन सी भावना आती है, हीन भावना आती है। ओके, साथ में आपसे पूछा जाएगा कि इसकी हम जो तुलना है वो किसके साथ करेंगे, तो इसको अव्यक्तावस्था भी कहा जाता है, अव्यक्तावस्था सिगमंड फ्राइड की, या फिर इसको सुप्तावस्था भी कहा जाता है, सिगमंड फ्राइड की जो चौथी स्टेज है सुप्तावस्था, ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, लेटेंसी, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लेटेंसी, लेटेंसी के साथ कंपेयर किया जाता है, किसका, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी स्टेज का, एरिक एरिक्सन की स्टेज का। ओके, क्लियर है। अब बच्चा भी क्या करने लग गया है, खुद काम करने लग गया है, और बच्चे को वहां पे क्या मिल रही है, उसको मतलब हम क्या दे रहे हैं बच्चे को, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट दे रहे हैं। अब बच्चा पहुंच गया भाई किशोर अवस्था में, अडल्टहुड में पहुंच गया है बच्चा, ठीक है, 12 से 18 साल के बीच का बच्चा है, तो उसके अंदर क्या आ जाता है, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, यानी वो क्या करना चाहता है जिंदगी में। उसको बच्चा इस स्टेज में हो चाहता है, उसको ये भी चिंता होती है कि भाई उसको क्या करना है, अब 10th कर ली तो उसको कौन सी स्ट्रीम में जाना है, उसको BTech करनी है, BSc करनी है, उसको BBA करना है, तो ये सब उसके अंदर क्या आते हैं, डाउट आने लगते हैं। तो वो उसको क्या करना है, क्या नहीं कर पाना है, इस बीच में क्या रह जाता है, कंफ्यूज होके रह जाता है। लेकिन अगर इस टाइम पे उसको सही गाइडेंस मिल जाती है, तो वो क्या कर लेता है, इस संकट का समाधान कर लेता है, और बच्चे के अंदर जो फिडलिटी की भावना है, कर्तव्य परायणता की जो भावना है, वो क्या होती है भाई, डेवलप होनी शुरू हो जाती है। अगर ऐसा नहीं कर पाता है तो उसके अंदर कंफ्यूजन की स्थिति उसके अंदर पैदा होने लगती है। ओके, नेक्स्ट हमारा आता है मित्रता व अलगाव की अवस्था, ये हमारी 6th स्टेज है, मित्रता व अलगाव की अवस्था। अब बच्चे ने क्या कर लिया है, एडोलेसेंस को पार कर लिया है, और बच्चा कहाँ पे पहुंच गया है भाई, अडल्टहुड में पहुंच गया है, अर्ली अडल्टहुड बच्चे का स्टार्ट हो गया है। ओके, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीमेसी वर्सेज आइसोलेशन की स्टेज। ओके, तो यहाँ पे बच्चा क्या करता है भाई, यहाँ पे जो उसका इम्पोर्टेंट जो इवेंट्स रहेगा, इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो रहेंगे बच्चे के, वो क्या रहेंगे भाई, रिलेशनशिप। बच्चा क्या बनाएगा भाई, रिलेशंस बनाएगा नए नए। तो जब वो नए नए रिलेशंस बनाता है, अपने क्या बनाएगा भाई, वो दोस्त बनाएगा, ठीक है, उसके क्या बनेंगे भाई, उसको क्या होगा, प्रेम भी होगा यहाँ पे। तो वहां पे उसको अगर सफल हो जाता है उस चीज में, तो भाई उसमें क्या डेवलप होती है, एक
प्रेम की भावना जागृत होगी, उसका संकट का समाधान कर लेगा, तो लव वाली उसके अंदर फीलिंग्स डेवलप होंगी। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो क्या रह जाएगा भाई, अकेला रह जाएगा, आइसोलेट महसूस करेगा, अलगाव की स्थिति उसके अंदर उत्पन्न होती है अगर वो इस काम में सफल नहीं हो पाता है, अपने रिलेशनशिप में सफल नहीं हो पाता है। अब नेक्स्ट देखिए, इससे आगे आ जाता है हमारा जो सातवीं अवस्था है, वो आ जाएगी हमारी सृजनात्मकता वर्सेज निष्क्रियता की अवस्था। ये होती है भाई 35 से 65 वर्ष में होती है। अब यानी बच्चा तो क्या रह गया, अब वो पूरा क्या बन चुका है, एडल्ट बन चुका है। ओके, तो यहाँ पे भाई क्या करेगा, अब उसको जो उस 6th वाले स्टेज से निकलने के बाद उसको क्या हो रहा था, प्रेम हो रहा था ना, तो अब उसके बाद वो क्या करेगा भाई, जनरेटिविटी यानी कुछ नया करने की सोचेगा। और यहाँ पे बच्चा कह रही हूँ, जो मनुष्य है वो क्या करेगा भाई, कुछ ना कुछ अपना काम धंधा करेगा, और क्या करेगा उसके अंदर, वो भाई पेरेंट्स बनेंगे, लड़का लड़की जो भी होंगे वो क्या बनेंगे भाई, पेरेंट्स बनेंगे। तो उनके अंदर जो अगर इसका सही समाधान कर लेगा तो उसके अंदर आ जाएगी भाई देखभाल की भावना, और अगर नहीं कर पाता है तो उसके अंदर क्या आ जाती है, निष्क्रियता। भाई मैं तो क्या हूँ, बिल्कुल इनएक्टिव हूँ, मैं तो क्या कर पाया हूँ, कुछ भी नहीं किया है मैंने, 35 से 65 साल में पहुंच गया मैं, और मैंने अब तक क्या नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। यहाँ पे उसके अंदर सृजनात्मकता, यानी वो अपनी सोसाइटी के लिए इस बारे में सोचने लग जाता है, सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है यहाँ पे इस स्टेज के अंदर। साथ में उसके जो बच्चे होंगे उनकी स्टडी की, उनका फ्यूचर, उसको लेकर के क्या रहेगा, चिंतित रहेगा। देखा होगा ना आपने 35 से 65 जो हमारे पेरेंट्स, वो क्या करते हैं, हमारे हमारे बारे में ही सोचते हैं ना। ठीक है, अगर वो इसमें सफल हो जाता है तो उसके अंदर क्या आती है भाई, देखभाल केयर की भावना आती है। वैसे जो आपसे क्वेश्चन बनेंगे ना, वो 4th स्टेज तक ही ज्यादा बनते हैं, 5 स्टेज तक ही, उसके बाद आपसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन समझना हमारे लिए जरूरी है। बच्चों की शिक्षा की यहाँ पे क्या रहेगी, चिंता रहेगी, लेट एडल्टहुड में पहुंच चुका है, और यहाँ पे उसके अंदर भाई वो क्या काम कर रहा है, उसने सोसाइटी के लिए क्या किया क्या नहीं किया, और कुछ नया करना चाहेगा सोसाइटी के लिए, बच्चों के लिए कुछ करना चाहेगा इस स्टेज के अंदर। ओके, नेक्स्ट हमारी बात आती है 8th स्टेज, संपूर्णता या हताशा की अवस्था, इंटीग्रेटेड वर्सेज डेस्पेयर। ओके, इसमें क्या हो चुका है भाई, 65 साल से अधिक की उम्र का बच्चा हो चुका है, यहाँ पर वो बच्चा नहीं रहा, वो किस में पहुंच गया है, ओल्ड एज में पहुंच गया है, पूरा मतलब बुढ़ापे की अवस्था में पहुंच गया है। तो यहाँ पे अगर संकट समाधान हो जाता है, यहाँ पे उसको क्या रहेगा कि यहाँ पे वो मतलब रिफ्लेक्शन ऑन लाइफ, अपनी लाइफ के बारे में सोचेगा। अब तक तो उसको क्या थी भाई, फ्यूचर की चिंता थी, 6 स्टेज तक तो उसको अपने फ्यूचर की चिंता थी, ठीक है, लेकिन जब वो 7वीं स्टेज में पहुंच गया था तब उसे क्या था, अपने बच्चों के फ्यूचर की चिंता होने लगी थी, वो बच्चों को क्या करना है, बच्चों के लिए मैंने क्या किया। लेकिन यहाँ पे इस स्टेज में पहुंचने के बाद उसको भविष्य की चिंता ना हो रहेगी, बल्कि किसकी चिंता रहेगी, अपने अतीत की चिंता रहेगी, कि अतीत में मैंने क्या पाया, क्या मैंने खोया, क्या मैंने सही किया, क्या मैंने गलत किया, क्या मैंने अपने सोसाइटी के लिए किया, क्या मैंने अपने लिए किया, उसके बारे में वो ज्यादा सोचेगा। ओके, तो ये होती है इंटीग्रेटेड वर्सेस डेस्पेयर की भावना। अगर यहाँ पे संकट समाधान हो जाता है तो बच्चे में यानी जो वैशक था, जो मतलब वैशक तो क्या है, वो क्या हो चुका है भाई, वृद्ध हो चुका है, तो उसके अंदर क्या आती है, मैच्योरिटी की भावना आती है। अदरवाइज उसमें डेस्पेयर, हताशा की भावना आती है, भाई पूरी जिंदगी मैंने तो ऐसे ही खराब कर दी, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ नहीं किया। तो ये था भाई एरिक एरिक्सन का सिद्धांत, जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको सरल शब्दों में मैं समझा पाऊं, और साथ में आप लोगों के लिए हैंड रिटन नोट्स भी जो मेरे पास थे उनको मैंने और अपडेट कर दिया है, और मतलब अच्छे से हैंड राइटिंग लिखी है मैंने अब आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ पाए। तो अगर आप लोग मैं एसटेट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप लोगों के पास टाइम कम है, तो आप लोग मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं उनको जरूर परचेज कीजिएगा, बिल्कुल भी पैसों के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि वैसे भी अगर आप लोग फॉर्म की फीस देते हैं तो 1000-1200 तो आपके फॉर्म की फीस हो जाती है, और अगर कहीं पे बैच परचेज करने जाते हैं तो वहां पे आपका 3 से 4 हज़ार से कम कोई भी बैच नहीं है एसटेट का, तो इसलिए आप लोगों के लिए बिल्कुल कॉन्वीनियंट रहेगा। सारा सिलेबस मैं आपको करवा रही हूँ, साथ में आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे, जो प्रीवियस ईयर जो प्रैक्टिस है वो भी मैं आपको करवाऊंगी, आप लोगों को बस जैसे जैसे मैं गाइड करती हूँ वैसे आपको काम करते जाना है, आप लोग जरूर सफल हो जाओगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।